इस मंदिर के अंदर तो दियों से ज्यादा लड़कियां हैं। गॉड यू आर फैंटास्टिक, आई एम रोमांटिक। अरे कितनी देर ऐसे रहोगे यहाँ? तो इसके गिरने से मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? एक बार फिर आकर गिरो ना। अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा। पिताजी कैसे हैं विनीता बेटी? वो अच्छे हैं जी। विनीता जरा ये दीपक ले जाकर नंदीश्वर के पास रख दो बेटी। हेलो, भगवान उधर है। अच्छा, लेकिन देवी तो उधर है। बाजा सुनिए जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए। रुक जाइए ना, आपका नाम क्या है? राधा? फिर सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा मालिनी? आप बहाने बना के मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ गई। समझ गई ना मैं किस बहाने से तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ? तो मैं बता दूँ, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा था। देखा था, लव एट फर्स्ट साइड। हाँ, इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। तो मत रखो, तुम पे लाइन कौन मार रहा है? खैर ये सब छोड़ो, मेरा नंबर तो ले लो। एक अनजान लड़की को नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़की से नंबर लेना गलत बात है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर मैं फोन करूंगा आप नहीं उठाएंगी तो मुझे बहुत फील होगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास होगा ना तो अभी मैं फोन नहीं करूंगी। अरे आज नहीं करोगी ना, कल करोगी, परसों करोगी। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर लिख लो, 888-555। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं बोला, 666-666। लव एट फर्स्ट साइड पे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे दोबारा मत दिखना। अगर दूसरी बार दिखाई दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ए आवाज बंद करो, गुरुजी के आने का समय हो गया। दीर्घ आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। ओम नमः स्वाहा। केशव, ओम केशवाय नमः। अगर तुम्हें प्यास लगे तो पानी पियो, उसे नहीं। बच्चों, भगवान के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। ठीक है गुरुजी। अरे केशव, क्या आदि तारम भैरवी रागम? हमारे लिए हर ताल हर राग एक ही है, शुरू कीजिए। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया? आपने मेरा गाना सुन लिया? कौन हो बेटा तुम? बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ? बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गा। मेरा नाम ऋषिकेश, हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर हैं। अच्छा, हिस्ट्री? और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था, कितना सुनाया था इसने मुझे, पता है। आदि केशव कुछ बोलो ना, ये वही है ना? देखिए शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी श्री श्री संग मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यही कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है मामा जी। मामा जी आप मुझे मिल गए। क्या है ये, क्या क्या कह रहे हो केशव? तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी, विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं, वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया।
तुमने यू ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव नो। ऋषि मुनि नहीं केशव। मामा जी मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना। ये गाना गाता है सुनिए। कैसेट गलत साइड लग गया। तो ठीक है दूसरा साइड लगा के देखो। अरे इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं। हीरो है तो दिल वाला, फाइटर जिगर वाला, एक्शन इमोशन वाला। रुको रुको तेरा रगड़ा दिलों में खलबल। अरे रुको 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 तेरा जलवा। रुको रुको तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती। अरे ये क्या, चल ना। मैंने कहा ना जाओ। ओके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो बड़ी जल्दी आ गए आज। तुम लोग लेट हो चुके हो, जा क्लास में जाओ। अरे बाप रे, बहुत गुस्से में। यही मुझे चाहिए। मुझे देखते तुम अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करोगी, वो लोग हमारे बारे में कुछ बातें करेंगे कि हमारे बीच कुछ कुछ है। ये सब सोच के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सच में गुड गुड। अच्छा आज क्लास में मैं एनी डाउट पूछूंगा तो तुम खड़ी हो जाना। मैं बोलने जाऊंगा तो कहना सॉरी सर मेरी वजह से क्लास में डिस्टर्ब ना हो, मुझे पसंद नहीं, मैं स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करती हूँ। मैं ओके कहूंगा, फिर मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे होगी। उसके बाद बस अफवाह अफवाह, रूमर्स ही रूमर्स, गॉसिप ही गॉसिप होंगे, मजा आ रहा है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो वादा मैंने किया उसे मुझे निभाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल फिल्म है ये। आई लाइक दैट। स्टूडेंट्स एनी डाउट, आज क्लास में मैं पूछूंगा, एनी डाउट तो यस सर कहना। हेलो पीछे वालों को ठीक से सुनाई दिया है नहीं, एनी डाउट्स? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, एनी डाउट? अरे बाप रे सर, आप लेसन को फिल्मों से बहुत अच्छी तरह जोड़ते हैं, हमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप इतनी बार पूछ रहे इसलिए डाउट हो रहा है। हिस्ट्री में भी कोई डाउट होता है क्या सर? जल्दी बोलिए, हमें बहुत सारे काम है। चल यार कैंटीन चलते। डाउट पूछने के लिए कहा था ना, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? बहुत डर लग रहा था, पूरी क्लास चुप बैठी थी, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। हुआ था ना, हुआ ना। ये चीज मुझे भी हो रही है विनी, लव में जब ऐसा होता है तो चीजों को एंजॉय करना चाहिए। ये बात है, ये हार्ट बीट हमेशा नहीं रहेगी विनी, एंजॉय करो विनी एंजॉय। अगर आप बुरा ना माने तो चलो 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 जाओ। सामानी सानी धापा। अरे सुनील सुर को पकड़ो ना, ये खुद बेसुरा करा है और मुझे सामानी सानी धापा। चारू केशव ये तुम क्या गा रहे हो? गुरुजी साथी में गा रहे और तुम माथी में। सध्यम चीज को मध्यम में गा रहे हो और गाकर उसे बिगाड़ रहे हो। मैंने इतना खराब गाया क्या? माफ कीजिए गुरुजी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो चारू केशव की आवाज सुनकर मैं इधर आ गया। कोई बात नहीं, चलो तुम भी साधना के लिए बैठ जाओ। सॉरी सॉरी, मुझे चाय के लिए मत पूछिए प्लीज। यहाँ कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा है और तुम यहाँ प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटी, इनके लिए कॉफी ले आओ। गुरुजी विनीता इशारे, मेरी बेटी का आज मौन व्रत अभी तक नहीं निकले, राहु काल शुरू होने वाला है। नमस्ते आंटी जी। आंटी कैसी आंटी? अरे आंटी कहने में क्या गलत है? इसी तरह से घुल मिल गया है। रुको बेटा मैं कॉफी लेके आती। ठीक है। अरे आप निकलिए ना जी। अरे बेटा कॉफी पीकर, भूख लगी तो खाना भी खा के जाऊंगा। गुरुजी से अंकल पर आ गया, इसके नेक इरादे नहीं लगते। अबे चारू केशव, मुझे सद्यम मध्यम के बारे में क्या पता, तुमने शायद सही गाया होगा, लेकिन अब गुरुजी के सामने तुम कच्चे हो और मैं पक गया हूँ। अरे मुझे पता है रे, मैं सुर नहीं भूलता हूँ, तू ही गलत सुर में गा रहा है। गलत सुर का मतलब क्या है रे? इसका मतलब तू ही है। कॉफी आ गई है, पी लेता हूँ। आज तुम्हारा मौन व्रत है। अरे बाप रे, ये खामोशी कैसी? मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा है ना? अरे खामोशी नहीं, अब ये उड़ने वाला प्लेन है, ये पायलट और वो पैसेंजर। मिस्ड कॉल दे देना, बाय। चारू क्या देख रहे हो भाई? बिन्नी की हरकतें अजीब हैं। जानना चाहता हूँ पर बताती नहीं। उस लड़की के साथ गले में हाथ डालकर क्यों नाच रहे थे? वो लड़की वेस्टर्न में गा रही थी ना तो उसका... अच्छा कल रात तक तो क्लासिकल कर रहे थे और आज वेस्टर्न पर शिफ्ट हो गए। वो थोड़ा माइकल जैक्सन का गाना होगा,
माइकल जैक्सन बहुत बड़ा स्टार होगा, लेकिन हमारे त्यागराज उनसे सीनियर है। तुम्हें समझ में नहीं आता? समझ में आ गया विनी, सच्ची समझ में आ गया। पहले तुम, बाद में वो। मेरी बात फिर वो क्यों? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ। विनी, विनी, विनी। ओ, पजेसिव। I like it, विनी। कॉलेज में डांस और फिर फोन पर सॉरी। इसे स्विच ऑफ ही कर देती हूँ। अरे लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसने मुझे कितनी बार फोन किया? इसे वाइब्रेटर पर डाल देती हूँ। विनीता, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम खाना ला रही हो या मैं खाने के लिए बाहर चला जाऊँ? हाँ, लेकर आ रही हूँ। आ गए। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक नहीं क्या? ठीक है पिताजी। अरे खा क्यों नहीं रहा है? खा तो रहा हूँ मामा जी, लेकिन देख रहा हूँ कि विनीता आज बहुत उछल कूद कर रही है। इतना बड़ा हो गया, अक्कल बिल्कुल नहीं है। खाना खा। कुछ तो उसने छुपाया है, पूरे कमरे की तलाशी लेने से पता चल जाएगा। अभी चेक करता हूँ। अरे बाप रे, ये सेल मेंटेन कर रही है, बिल कौन भरता होगा? 20 मिस्ड कॉल्स और 25 SMS। अच्छा ही है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी, आई लव यू अ लॉट। अगर तुम नाराज हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, इसने तो पूरा संसार बसा लिया है। ये यहाँ पर आता है या यहीं पर रहता है? कुछ भी हो, रेड मिल तो गए। तुम फोन नहीं उठाओगी तो कैसे चलेगा? अरे आप यहाँ से चली जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे कौन देखेगा, अगर देखेगा भी तो चारू केशव भी देखेगा। देखेगा क्या, ऑलरेडी देख लिया। अगर देख भी लिया तो भी कुछ बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसे ये बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। अरे फिर भी हिम्मत करके बताऊंगा। चल। अगर उसने हिम्मत करके बता भी दिया तो क्या होगा, कुछ दिनों के लिए झगड़ा होगा और बाद में हमारी शादी हो जाएगी। तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे पकड़ूंगा तो भी नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। अगर मैं ऐसे टच करूंगा तो भी नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। पी लूंगा तो भी नहीं बताएगा।